तो दोस्तों फाइनली कंप्लीट हो गई गदर का पार्ट टू। इस फिल्म को जस्ट अभी देखकर मैं बाहर आया हूँ सिनेमाघर से। आप देख सकते हो मेरे हाथ में छतरी है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने सोचा था कि मैं जब बाहर आऊँगा तो भैया पब्लिक का रिएक्शन लूँगा, क्योंकि भैया अंदर में पब्लिक ने जो गदर मचाया फिल्म के ख़त्म होने के बाद, उसको देखने के बाद तो भैया ये बात साफ हो गई कि ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इस वक्त मैं अपने घर से काफ़ी दूर आया हूँ। घर पहुंचकर मैं इस फिल्म का फाइनल रिव्यू आप लोगों के लिए दूंगा, लेकिन अगर आप लोग मुझसे फास्टेस्ट रिव्यू जानना चाहोगे तो मैं इस फिल्म को लेकर एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया बेहिचक इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने के लिए आ जाओ। ये फिल्म आपका टोटली इंटरटेनमेंट करने वाली है, यानी कि भैया इस फिल्म से जो उम्मीदें पर्सनली मुझे थी और ऑडियंस को भी थी, भाई ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतरी है। अगर हम बात करें फिल्म की कहानी की तो भैया फिल्म का कहानी बहुत ही शानदार है। अगर मैं बात करूं भैया इस फिल्म के एक्शन वाले डिपार्टमेंट की तो नो डाउट एक्शन वाला डिपार्टमेंट सुपर से ऊपर है। अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के सभी गानों की तो भाई गाना तो एक से बढ़कर एक है मेरे भाई। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म में नज़र आने वाले कलाकारों के परफॉर्मेंस की तो भाई सभी कलाकारों ने इस फिल्म में वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है, जिसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर एक बात तो साफ हो गई है कि भाई ये फिल्म हिस्ट्री बनाने वाली है कमाई के मामले में। दोस्तों मॉर्निंग के रिव्यू में मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी ना कि भाई पटना में ऑलमोस्ट इस फिल्म के सारे शो हाउसफुल हो चुके थे, इवन हाजीपुर में भी इस फिल्म के सारे शो हाउसफुल हो चुके थे। और भाई मुझे तो पैरवी लगानी पड़ी थी इस फिल्म के टिकट को पाने के लिए, और पैरवी के माध्यम से ही मुझे टिकट मिला था। मेरे एक मित्र ने मुझसे ये बात कही थी कि भैया ब्लैक में खरीदे हो क्या, तो भैया हम ब्लैक में टिकट नहीं खरीदते हैं, हम जहाँ जाते हैं हमारे लिए टिकट अरेंज पहले से हो जाता है, इतना तो साख बना के रखे हैं ऑडियंस के बीच में। हाँ, फिल्म को लेकर हम यही बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि भाई इस फिल्म को देखने के लिए हम इतना दूर आए हैं पटना, तो भैया इस फिल्म ने मुझे निराश नहीं किया है। मैं आप लोगों से भी ये बात कहूँगा कि ये फिल्म आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं करेगी। अब चलिए थोड़ा सा कहानी के बारे में हल्का फुल्का जानकारी आपको दे देते हैं। तो भैया फिल्म के अगर इंटरवल तक की फिल्म की बात करें तो भैया इंटरवल तक इस फिल्म की कहानी को बिल्ड किया गया है, यानी कि भाई इतने लंबे समय के बाद गदर का पार्ट टू आया है और भाई इस फिल्म में सनी देओल के बेटे को बड़ा दिखाया गया है। तो कहानी तो बतानी पड़ेगी ना कि भैया क्या हुआ उतने सालों तक। तो फर्स्ट हाफ तक कहानी कुछ इस तरह से बुनी गई है, लेकिन सेकंड हाफ के बारे में मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो हो सकता है कि स्पॉइलर आप लोग के लिए हो जाए, तो फाइनल रिव्यू के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। अब मुझे और एक फिल्म देखनी है, ओ माई गॉड का पार्ट टू, तो भैया उसे मैं देखने जा रहा हूँ। उस फिल्म को भी देखने के बाद मैं उसका रिव्यू आप लोग के लिए रखूँगा, तो इंतज़ार कीजिएगा मेरे उस रिव्यू का। लेकिन हाँ, गदर के पार्ट टू को लेकर मैं अभी से आप लोगों को ये बात बोल देता हूँ कि अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया इस फिल्म को देखने के बाद मैं इस फिल्म को कितना स्टार दूंगा, तो भाई मेरे हिसाब से ये फिल्म मास एंटरटेनमेंट मूवी है और भाई ये फिल्म 4 स्टार डिजर्व करती है।